गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट लॉग के अंदर। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं हूँ ट्रेन रेन में हूँ और जा रहा हूँ अहमदाबाद। तो अभी अपनी छुट्टियाँ चल रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना, दो तीन दिन तो मैं घर पर ही था, बाद में उसके बाद प्लान किया कि कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बजे और अभी हमने उदयपुर से ट्रेन पकड़ी है और निकले हैं अहमदाबाद के लिए। और अहमदाबाद घूमने वाले हैं आने वाले 3-4 दिनों में, तो आपको आगे के पूरे कंटिन्यूसली ब्लॉग दिखेंगे। और आज जो है आपको पूरी अहमदाबाद तक की जो ट्रेन जर्नी है, वो भी उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो सारा आपको बताने वाले हैं। जी हाँ गाइस, तो अभी हमने जो रेल पकड़ी थी वो थी राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से। और तो अभी हम आ गए हैं सिटी स्टेशन और यहाँ से अभी और भी लोग चलेंगे, फिर ये सीधी रेल जो है वो निकल जाएगी। जल्दी जल्दी में कोई नाश्ता कर नहीं पाए थे, तो अभी मछली साथ में लेकर के आए थे, तो मछली खा रहे हैं और फिर कहीं रुकेगी रेल तो वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह लेंगे। तो अभी हम थर्ड रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, जो कि है उमरडा रेलवे स्टेशन। ये भी उदयपुर में ही है। लगभग इस जर्नी में जो हमें समय लगने वाला है वो लगभग लगेगा 7.5 घंटे के आसपास, क्योंकि ये जो दिन के समय की जो ट्रेन है 11:30 बजे की, ये जो है टाइम जो है ज़्यादा लेती है, शाम के समय वाला कम लेती है। पर शाम को ठंड ज़्यादा रहेगी, तो हमने दिन की ट्रेन ली है ताकि दिन में सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए जाएँ। जी हाँ गाइस, तो अभी हम उमरडा से रेलवे स्टेशन से निकले और उसके बाद अभी खाका चांदा करके ये कोई एक स्टेशन आया है, छोटा स्टेशन है, तो यहाँ 2-3 मिनट के लिए रुकी रेल और उसके बाद वापस चली गई है। सामने की तरफ एक सुंदर सा तालाब है, आप देख सकते हो क्या गजब नजारा है। यही नजारे देखने के हिसाब से हम आए थे ट्रेन में और दिन का सफर इसीलिए सेलेक्ट किया है, चाहे 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़े। जी हाँ, तो ये विंडो बार बार नीचे आ रही है, तो इसके लिए सामने वाले अंकल जी जो है हेल्प कर रहे हैं, ये कुछ कागज को यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये विंडो बार बार नीचे नहीं आए और हम आपके लिए एक अच्छे नज़ारे जो हैं वो शूट कर पाए। जी चावर माइंस इलाके में एंटर हो चुके हैं, तो अभी जावर माइंस स्टेशन आ चुके हैं अपन। तो अभी जावर माइंस के बाद नेक्स्ट स्टेशन आए ये पाडला, और ये जो है जावर माइंस के बाद का नेक्स्ट स्टेशन है। जयसमंद रेलवे स्टेशन पे ये रेल आई है, अब हमारी रेल यहाँ से स्टार्ट होगी, क्रॉसिंग है दोनों ट्रेनों की। तो
जी हाँ गाइस, तो ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आया है सूरखंड का खेड़ा। क्या गजब नजारा है आप देखे हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आया है। जी हाँ गाइस, तो ये सेमारी के बाद नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आ चुका है कुंडलगढ़। छोटा सा स्टेशन है और लगभग एक मिनट का, और लगभग सारे स्टेशन पे एक दो मिनट का हॉल्ट जो है वो रहा है। केवल जो जयसमंद रेलवे स्टेशन जो था वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हॉल्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग थी दो रेलों की, वहाँ पे थोड़ा सा 5-1 मिनट तक के लिए रुकी थी। बाकी केवल एक दो मिनट का हॉल्ट लेके ही चल रही है वापस। जी हाँ गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं रिखब देव रेलवे स्टेशन, और भीड़ आप देख सकते हो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ जो है अब धीरे धीरे ट्रेन में बढ़ गई है। तो अभी रिखब देव रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं आप देख सकते हो जैसे कि। जी हाँ गाइस, तो अभी ये कोटाना स्टेशन पे रुकी है, छोटा स्टेशन है कोटाना करके है ये। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं था, तो साथ ही जो और भी पैसेंजर थे उनसे पूछा कि कौन सा आपका व्लॉग का नाम क्या है। मेरा मेरे चैनल का नाम तो लेक सिटी, लेक सिटी नाम से। अभी एक बच्चा आया था वो पूछ रहा था कि एक्चुअली आपके चैनल का नाम क्या है, क्योंकि उसने शायद तक मेरे को शूट करते हुए देखा है यहाँ खड़े हुए, तो क्यूरियोसिटी की वजह से। जी हाँ गाइस, तो अभी आप देख सकते हो अभी हम हैं डूंगरपुर स्टेशन। हाँ आप देख सकते हो जो ट्रेन पहले खाली खाली दिखाई दे रही थी वो अब भर चुकी है। जी हाँ गाइस, तो अभी आया है शाला शाह थाना करके ये एक रेलवे स्टेशन। तो अभी यहाँ पे जो रेल जो है वो रुकी हुई है, तो डूंगरपुर से चले थे और अभी ये शाला शाह थाना करके एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, तो अभी नेक्स्ट जो स्टेशन आया वो आया है श्री भावनाथ स्टेशन करके, छोटा सा एक यहाँ पे केवल एक ऑफिस वगैरह बना हुआ है और श्री भावनाथ करके ये स्टेशन है। यहाँ से आप बाहर के खूबसूरत जो हैं खेत वगैरह का नज़ारे देख सकते हो। जी हाँ गाइस, तो अभी आ गया है ये बिच्छीवाड़ा स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन जो है वो आ चुका है जयसमंद। तो ये जयसमंद रेलवे स्टेशन है। जी हाँ गाइस, तो अभी नेक्स्ट स्टेशन जो आया है वो आया है जगाबोर रेलवे स्टेशन। ये सारे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जो कि आ रहे हैं। आगे जो बड़ा स्टेशन आएगा वो जैसे कि डूंगरपुर आया था, उसके बाद बिछीवाड़ा, और अब जो आगे आने वाला है वो शामला जी। ये छोटे छोटे स्टेशन है, अभी जगाबोर करके ये रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन रुकी है।
जी हाँ गाइस, तो ये मुसाड़िया करके ये रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो लुसाड़िया। जी हाँ गाइस, तो अभी हम आए हैं शामला जी रेलवे स्टेशन, तो रेल अभी शामला जी में रुकी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सुनाक करके ये एक और रेलवे स्टेशन आया है, जो कि शामला जी के जस्ट बाद में है ये स्टेशन। जी हाँ गाइस, तो ये रायगढ़ रोड करके ये रेलवे स्टेशन है। मतलब इस ब्लॉग में आपको सारे स्टेशन जो भी उदयपुर से लेके अहमदाबाद तक, छोटे बड़े जितने भी स्टेशन, शाम को जो 5 बजे वाली जो ट्रेन रहती है वो छोटे छोटे स्टेशन पे नहीं रुकती है, पर अभी जो सुबह के टाइम, क्योंकि जो 11:30-12 बजे के आसपास की जो ट्रेन है, 11:30 की ये राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से उठी थी, तो 11:30 बजे की ये जो ट्रेन है वो लगभग 7 घंटे के आसपास लेती है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है, पर सारे छोटे स्टेशन पे रुकती हैं। नेक्स्ट हम बाटड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हो ये गुजरात का सबसे बॉर्डर में एंटर करने के बाद सबसे फर्स्ट सिटी जो हमारा आया है वो आया है हिम्मतनगर। हिम्मतनगर के बाद नेक्स्ट स्टेशन आया है हापा रोड। जी हाँ गाइस, तो नेक्स्ट स्टेशन आया है सोनासन रेलवे स्टेशन। तो अभी नेक्स्ट जो स्टेशन आया है प्रांतिज रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे गाड़ी रुकी है। तो लगभग आपको हर स्टेशन की इंफॉर्मेशन इस ब्लॉग में मिल चुकी है गाइस। तो आप देख सकते हो हम 11 बजे के निकले हुए हैं और अभी आप देख सकते हो सनसेट होने जा रहा है, दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या गजब नज़ारा है। रेल से ही आज सनसेट देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा, पूरा रेड कलर में हो चुका है सन। नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आ चुका है वापस, ये खारीमरापुर करके ये नेक्स्ट रेलवे स्टेशन है खारीमरापुर। जी हाँ, ये तलोद करके ये नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आया है, तलोद रेलवे स्टेशन। जी हाँ गाइस, तो अभी नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आया है खेरोल, खेरोल करके ये नेक्स्ट स्टेशन आया है। ऐसे छोटे छोटे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से, अगर आपको कम टाइम के लिए अगर जर्नी करनी हो उदयपुर से अहमदाबाद के लिए, तो आपको शाम के समय की जो 5 बजे की जो रेल है वो आपको लेनी चाहिए, उसमें लगभग 5 आवर्स का समथिंग टाइम लगता है। ये सुबह 11:30 बजे हमें दिन में सारा कुछ देखते हुए ट्रिप करना था, इसलिए हमने ये दिन के 11:30 बजे वाली ट्रेन ली है, तो इसमें थोड़ा टाइम जो है वो 7 घंटे के आसपास का है। ये रखियाल करके ये रेलवे स्टेशन आया है रखियाल। जी हाँ गाइस, तो अभी हमारा एक रेलवे स्टेशन और आया था जलियामठ करके, तो वो अभी तो अभी भाई साहब ने बताया कि 5-6 जो हैं और आएंगे रेलवे स्टेशन अभी बीच में असावरा तक पहुंचने के लिए, और हमें उतरना है लास्ट स्टॉप असावरा पर। जी हाँ गाइस, तो नांदोल दहे गांव करके ये स्टेशन है नांदोल दहे गांव। जी हाँ गाइस, तो ये नेक्स्ट स्टेशन आ चुका है डबोड़ा करके ये स्टेशन है, तो ये नेक्स्ट स्टेशन आया है नेद्रा, और आप देख सकते हो। जी हाँ गाइस, तो ये आप सामने की तरफ जो स्टेशन यहाँ पे देख रहे हैं ये है नरोड़ा स्टेशन, तो नरोड़ा में अभी रेल रुकी हुई है, लगभग ये सारे स्टेशन 5-5 मिनट की डिस्टेंस पर है।
जी हाँ गाइस, तो नरोडा के बाद नेक्स्ट स्टेशन आया है सरदार ग्राम। जी हाँ गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं असारवा स्टेशन। और जी हाँ गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं असारवा और ये जर्नी जो है कंप्लीट हुई है। तो अभी घर जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करेंगे। तो अभी इस ब्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।